साइज 20.1 पॉइंट वन पार्ट नंबर फाइव शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रेल रेशनल के लिए क्या होगा कि डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहले डी का फार्मूला डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक्स स्क्वायर का कोफिशन a की वैल्यू l माइनस एम और x का कोफिशन b की वैल्यू b की वैल्यू है m प्लस एन माइनस एल और विदाउट एक्स वाला सी की वैल्यू सी की वैल्यू है माइनस एन डी सेम रहेगा फॉर्मूले में बी की जगह पर रखेंगे एम प्लस एन माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस फोर फॉर्मूले का ए की जगह पर रखेंगे एल माइनस एम और सी की जगह पर रखेंगे माइनस एन तीन वैल्यूज़ के ऊपर जब स्क्वायर हो तो वहाँ पर एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए जहाँ ए होगा वहाँ पर एम जहाँ बी वहाँ पर एन जहाँ सी वहाँ पर माइनस एल रखेंगे ए की जगह पर एम बी की जगह पर एन और सी की, की जगह पर माइनस एल का स्क्वायर टू फार्मूले का ए की जगह पर एम रखें बी की जगह पर एन टू फार्मूले का बी की जगह पर एम और सी की, की जगह पर माइनस एल सॉरी बी की जगह पर एन रखेंगे टू फार्मूले का सी की जगह पर माइनस एल और एक ही जगह पर एम माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस फोर को एन से मल्टीप्लाई करें फ़ोर एन होगा और ब्रैकेट में एल माइनस एम फ़िलहाल सेम रखें एम का स्क्वायर एम स्क्वायर होगा एन का स्क्वायर एन स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर की वजह से माइनस की साइन ख़त्म एल स्क्वायर होगा टू एम एन को मल्टीप्लाई करें टू एम एन होगा प्लस इंटू माइनस माइनस टू एम एन को एल से मल्टीप्लाई करें टू एम एल होगा प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और एल एन को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा एल एन होगा सॉरी एल को एम से मल्टीप्लाई करें एल एन होगा अच्छा यहाँ पर एन है एन को मल्टीप्लाई करेंगे एन एल होगा और एल को एम से मल्टीप्लाई करें टू एल एम होगा माइन प्लस फोर एन को एल से मल्टीप्लाई करें फोर एन एल होगा और फोर एन को एम से मल्टीप्लाई करें तो फोर एम एन होगा डी सेम रहेगा एम स्क्वायर सेम प्लस एन स्क्वायर सेम एल स्क्वायर सेम टू एल एम सेम रहेगा माइनस का टू एल एम और टू एम एन में से फोर एम एन माइनस करें बाकी माइनस माइनस के टू एम एन बचेंगे और यहाँ पर टू एन एल माइनस के वो भी सेम अच्छा फोर एन एल में से टू एन एल माइनस करेंगे प्लस के टू एन एल बचेंगे अब इसको थोड़ा हम सेटिंग में रखेंगे पहले एल रखें फिर एन रखें फिर एम रखें माइनस का टू एन एल सॉरी प्लस का टू एन एल उसके बाद माइनस के टू एल एम माइनस टू एम एन ये एक फार्मूले से मैच हो रहा है फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए बराबर है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूले में देखेंगे कहीं पर भी माइनस की साइन नहीं है लेकिन क्वेश्चन में दो जगहों पर माइनस की साइन है माइनस आने की रीज़न ये है कि इसमें से कोई भी एक वैल्यू माइनस की है या तो एल माइनस का है या तो एन या तो एम। अब कैसे पता चले कि कौन सा माइनस है देखें इस स्ट्रम में एन भी है एल भी है तो स्ट्रम में एन एल की वजह से प्लस का है माइनस का नहीं हुआ इससे पता चला कि एन भी पॉजिटिव है और एल भी पॉजिटिव है और एम जिसके साथ है वो वैल्यू नेगेटिव हो रही है इसका मतलब हुआ कि एन क्या है नेगेटिव है तो फार्मूले में जहां ए वहां पर एल रखेंगे जहां बी वहां पर एन रखेंगे जहां सी है वहां पर माइनस एम का होल स्क्वायर देखें स्क्वायर का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाए तो हम कहेंगे डी इज़ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रेशनल जब डी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो वहाँ पर रूट्स का नाम बनेगा रेशनल एक्सरसाइज 20.1 पार्ट नंबर फाइव का दूसरा सवाल है a प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस बी प्लस सी माइनस एक्ल्स टू जीरो शो करना है कि रूट्स आर रेशनल फार्मूला में मालूम है d बराबर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक्स स्क्वायर का कोफिशन a की वैल्यू a प्लस सी माइनस बी और x का कोफ़िशन b की वैल्यू टू सी और विदाउट x वाला c की वैल्यू c की वैल्यू है b प्लस सी माइनस ए फार्मूले में रखें जहां b है वहां पर टू सी का होल स्क्वायर माइनस फोर फार्मूले का a की जगह पर a प्लस सी माइनस बी और c की जगह पर b प्लस सी माइनस ए डी बराबर ये स्क्वायर टू को दें फोर होगा c को स्क्वायर दें तो c स्क्वायर होगा माइनस फोर फॉर्मूले का ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए को सी से फिर ए को ए से फिर इसी तरह सी की बारी फिर बी की बारी ए को बी से मल्टीप्लाई करें ए बी होगा प्लस की साइन ए को सी से मल्टीप्लाई करें ए सी होगा ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करें माइनस ए स्क्वायर होगा अब सी की बारी सी को बी से मल्टीप्लाई करें बी सी होगा सी को सी से मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर होगा सी को ए से मल्टीप्लाई माइनस ए से मल्टीप्लाई करें माइनस ए सी होगा माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करें माइनस बी स्क्वायर होगा माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करें माइनस बी सी माइनस इंटू माइनस प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई करें ए बी होगा इनमें से देखें जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करें बी सी प्लस का बी सी माइनस का कैंसिल होगा ए सी माइनस का ए सी प्लस का कैंसिल होगा बाकी जो बचे हैं उनको प्लस माइनस कर देते हैं एक ए बी ये है एक ए बी ये है प्लस के टू ए बी हो जाएंगे और माइनस का ए स्क्वायर सेम रहेगा प्लस सी स्क्वायर सेम रहेगा माइनस बी स्क्वायर सेम इस ब्रैकेट से बाहर फोर माइनस का है इस माइनस फोर से मल्टीप्लाई करें फोर को टू ए बी से मल्टीप्लाई करें तो एट ए बी होगा माइनस इंटू माइनस प्लस फोर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें फ़ोर ए स्क्वायर होगा माइनस इंटू प्लस माइनस फोर को सी स्क्वायर से फोर सी स्क्वायर होगा माइनस इंटू माइनस प्लस फोर बी स्क्वायर होगा फोर सी स्क्वायर माइनस के फोर सी स्क्वायर प्लस के कैंसिल होंगे डी बराबर पहले फोर ए स्क्वायर रखें फिर माइनस के एट ए बी फिर प्लस के फोर बी स्क्वायर इस कंडीशन से ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बन सकती है फोर ए की जगह पर टू ए का स्क्वायर बनेगा फोर बी स्क्वायर में से टू बी का होल स्क्वायर बनेगा टू फॉर्मूले का ए की जगह पर टू ए बी की जगह पर टू बी आगे भी जहां ए है वहां पर टू ए रखेंगे जहां बी है वहां पर टू बी का होल स्क्वायर जिसका स्क्वायर बन जाए उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं लिखेंगे डी इज परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर Rational Hands short.